सुनो जार्विस, क्या वक्त आ गया है? धूम धड़ाका करने का सर। जी हाँ। ऐसा लगता है मेरा कोर्ट मार्शल करने ले जा रहे हो। क्या पागलपन है, किया क्या है मैंने? गाड़ी से निकाल कर मेरा एनकाउंटर करेगा क्या? ओए, बात करना मना है तुझे? ए कबूतर, हम बात कर सकते हैं? मैं एक पायलट हूँ। सच कहूँ तो सोच रहा हूँ कि आपका फिगर गजब का होगा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपकी तरफ ना देखूँ, पागल हो गया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, हंस लो हंस लो। आपको इस दौर का डाविंची कहा जाता है, आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बकवास है, मैं पेंटिंग नहीं करता। और आपके दूसरे नाम मौत का सौदागर, इसके बारे में क्या कहेंगे? कमाल का नाम है। कुछ हुआ? हॉट शेक? हाँ दो प्लीज। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सुबह जागूं। तो क्या है ना दोस्त, मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता यार, बदलने की जरूरत नहीं है। तुमने वो पजामा क्यों नहीं पहना जो मैंने दिया था? टोनी, आई एम सॉरी, ये मस्ती की गाड़ी है, इसमें पिटे हुए आशिक के लिए जगह नहीं। हम सावधानी से शुरू करेंगे, देखना यह है कि अपनी क्षमता का 10% का उपयोग करके भी ये मुझे उठा सकता है कि नहीं। ये हवाई जहाज का संतुलन बनाए रखता है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये तो कुछ और ही हो गया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया और मैं ना उड़ा तो शहर के कॉलेज में तुम्हें दान कर दूंगा। अच्छा लग रहे हो, क्या जमाना आ गया, अपनी पार्टी में बिन बुलाए आना पड़ता है। ये ड्रेस कहाँ से खरीदा तुमने? ये मेरे जन्मदिन का तोहफा है। बहुत अच्छा है। तुम्हारी तरफ से? तो मेरी पसंद लाजवाब। वो तो है। मैं एजेंट कोल्स। ओ हाँ हाँ, वो बंदा जो स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन के डिविजन। हाँ भाई भाई, बिल्कुल सही समझो। सच कहूँ तो मैं नए नाम की जरूरत है। और फिर मैं परफ्यूम लगाना भी भूल गई। तुम्हारी खूबसूरती से खुशबू आ रही है। शुरू हो गए। बॉस के साथ डांस करते हुए शर्म आ रही है तो नौकरी से निकाल दो। मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद के बिना तुम अपने जूते भी पहन सकते हो। मेरा पैर शूज खुल नहीं रहा, फंस गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अपने आप को उसके बाहर से बचाइए। तुम अभी भी जिंदा हो? आहू तो। Oh my God, तुम सच में किसी पागल की औलाद हो। तुम पर जहाज उधार रहा, क्या कहते हो? मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एजेंट फिल कोल्सन हूँ और स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन के डिवीजन में काम करता हूँ। काफी लंबा चौड़ा पोस्ट है। ठीक है, काम कुछ ऐसा ही है। तो अब तुम क्या करने वाली हो? अपना ख्याल रखना। मिस पॉट्स, हमने अपॉइंटमेंट लिया था, कहीं आप भूल तो नहीं गई? नहीं, हम अभी बात करेंगे, ऐसी मीटिंग होगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे तुम्हारे ऑफिस। ऐसा लगता है कि ये उड़ सकता है सर। समझ गया, मुझे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाओ। 15% ऊर्जा के साथ इतनी ऊंचाई पर जाना मुझे भी आती है, जल्दी करो। जितना मेरे कैरेक्टर के बारे में कहा गया है और जितनी गलतियां मैंने जनता के सामने की है, जो कहना है साफ साफ कह दो। ठीक है, सच्चाई है, मैं ही आयरन मैन। देखो वहां हमारे पास क्या है, नई मॉडल की कार के साथ लड़की फ्री है। काश ऐसा होता। वहीं से बहस शुरू करें जहां छोड़ी थी। मिस्टर स्टार्क प्लीज। हाँ डार्लिंग। क्या मेरी बात पर ध्यान देंगे? आप ही पे ध्यान है। आखिर ये क्या था? इसको मिक्स मार्शल आर्ट्स कहते हैं। ये 3 हफ्ते पहले। ये है डर्टी बॉक्सिंग और इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने नाम क्या बताया मैडम? रशमन, नेटली रशमन। चलो आ जाओ बॉक्सिंग रिंग में आ जाओ। नहीं टोनी, ये लॉयर है, कोई बॉक्सर नहीं जिसे। तो मिलॉर्ड कोर्ट समझ के आ जाए। कोई बात नहीं, माफ करना, दरअसल ये थोड़े सनकी है। अपने सरनेम का स्पेलिंग तो बताना। नेटली, RUSHMAN। क्या तुम उसको गूगल पे सर्च करोगे? सर्च तो करना ही पड़ेगा। कौन है वो? वो लीगल डिपार्टमेंट से है, उस पर डोरे मत डालना वरना वो तुम पर अच्छा खासा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक देगी। मुझे नया असिस्टेंट चाहिए। हाँ, और मेरे पास 3 है। सबक पहला, सामने वाले से नजर मत हटाओ। ओह माय गॉड, हैप्पी। मेरे लिए कुछ और मिस्टर स्टार्क? नहीं और कुछ नहीं मिस रश्मन, थैंक यू वेरी मच। मुझे यही चाहिए। नहीं। कैसे चल रहा है दोस्त, वो मर्लिन इंजन कमाल का है। थैंक यू। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक जेट का आईडिया। अच्छा, तो मिलकर बनाते हैं ना। सत्यानाश कर दिया छुट्टियों का। मेरा दम घुट रहा है, जरा बाहर जाकर आती हूं। क्यों, क्या हुआ? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मस्ती को कहेगा।
लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि टोनी तुम ये सूट पहनकर बाथरूम कैसे जाते हो? इसी में हो जाता है। सॉरी दोस्त, आयरन मैन का कोई चेला नहीं है। आजकल कैसा चल रहा है? देखो, मुझे गलत ना समझना, पट्टे को देखूं या आंख को? थोड़ी चढ़ी हुई है मुझे ये। मुझे तुमसे भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना है साउथ वेस्ट इलाके में। लगा इसे। ये क्या किया? मेरी किडनी चुरा कर बेचोगे क्या? ये गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती जब्त किया गया है। मिस पॉट्स, मिसेस स्टार्क यहाँ है, उन्हें मना किया था लेकिन। हाँ ठीक है, हो गई तुम्हारी ड्यूटी। कुछ और बॉस? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे बस 5 मिनट। कुर्सी क्या छोड़ी? दोनों छूट गए। चारों तरफ नजर रखना, मैं अंदर जाकर इवान को रोक दूंगी। सड़क पर ध्यान दो। हाँ ठीक है। वो हमारी तरफ आए, उठो चलो जल्दी करो। अरे भाई, तुम अपना सूट वापस ले लो। देखा? हाँ हाँ, अच्छा है। एवेंजर इनिशिएटिव में भर्ती होने के लिए योग्यता आयरन मैन? हाँ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पढ़ते रहो। टोनी स्टार्क योग्य नहीं है? आप आयरन मैन को मंजूर कर रहे हैं और मुझे नहीं? का मतलब इसका मतलब यही हुआ कि फिलहाल हम तुम्हें सिर्फ एक सलाहकार बना सकते हैं। तुम मेरी फीस नहीं दे पाओगे। डॉक्टर वू। ओ, ये है मिस्टर स्टार्क। हेलो, आप दिल के डॉक्टर हैं ना? इन्हें कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मैं। इधर ध्यान दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून लेडीज, डिलीवरी रूम में आपका स्वागत है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत जल्द आपका हट्टा कट्टा शैतान भाई पैदा होने वाला है। शायद कुछ ज्यादा तेज है, धीरे करो जरा, थोड़ा सा धीरे धीरे करो भाई। क्या सिक्योरिटी के सर जी बोल रहे हैं? हाँ। क्या? उफ, आपको क्या चाहिए? मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। कौन सा काम? जूनियर्स पर दादा के लिए। देखो, जब मैं कहता था कि मैं आयरन मैन का बॉडीगार्ड हूँ तो लोग मुझ पर हंसते थे। And this. हमेशा की तरह सर, आपका काम देख दिल खुश हो जाता है। मैं आपके लिए काम नहीं करता, मैं स्पोर्ट्स के लिए करता हूँ। और इस आदमी के साथ कोई आया है जो ठीक नहीं लगता, लफंगा टाइप का है। रिलैक्स। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि जगह को महफूज कर लो और उनसे कहो बाहर जाकर कुछ खा पिया। और अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो ये रहा मेरा पता, 10-8-80 मलबू पॉइंट। क्या लोग अभी तक दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजा सकते हैं? हमारे यहाँ सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। मैंने आतंकवादी को धमकी दी है यार। जब आप एक आतंकवादी और घर का पता देते फिरेंगे तो मैं और क्या कर सकता हूँ सर? तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे हैरानी क्यों नहीं हो रही? मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कि मैंने नाश्ते में क्या खाया था। ब्राउन ब्रेड सैंडविच सर। यही खाया था। आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो क्या? मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुन चम्मक। चलो इसे बता दे पेपर कहाँ है, ये तुझे छोड़ देगा। कौन सा पेपर? समझ गया। देखो, तुमसे अकेले में बात करनी है लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं और, बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं खुशी खुशी मान जाता पर अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है। यहाँ बैठ जाओ आराम से। अब ठीक लग रहा है रो? वो आयरन मैन है ना? सच कहूँ तो मैं हूँ। क्या बात है, ये हालत किसने की? जिंदगी ने। बाय द वे, जब तुमने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन की घड़ी है, तो? मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी होगी। वो 6 साल की है। ए, जाने मत, दो दो हाथ हो जाए, तुम्हारे मेरे बीच में आ जाओ। यही आता है ना तुम्हें, सड़ी सी चालें और सड़ी सी बातें। हाँ मेरी जान, इन बातों पर तो मैं पूरी किताब ले सकता हूँ। एक मिनट रुको। हेलो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी हसीना की बाहों में हो और वो अंदर से सुलग रही हो जैसे उसे आग लगी हो? हाँ हाँ, ऐसा हुआ है। कौन बोल रहा है? और पासवर्ड बताओ। अरे यार, तुम्हारे हैक करने के बाद बदलना पड़ेगा। लॉगिन दो, जल्दी करो। वॉर मशीन रॉक्स, रॉक्स में एक्स, सारे कैपिटल्स। मैं कोई पेपर के बारे में नहीं पता लेकिन प्लान के बारे में मालूम है। बक, अगर वो सच कह रहा है तो हम पेपर से सिर्फ 20 मिनट दूर। वो तो है, पर हमें इस वाइस प्रेसिडेंट की गुत्थी को भी सुलझाना होगा। पता नहीं मेरा फोन किसको लग गया। अरे ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। शुक्रिया। इस वक्त मैं कवच के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सही कह रहे हो, हमें मदद चाहिए। बहुत सारी। अरे वाह, क्या वो? हाँ क्या वो? हाँ।
बधाई हो दोस्त। ईश्वर को याद करो और पटाखे फोड़ो। रुको, नीचे रुको, नीचे, नीचे रुको। देखा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ दोस्ती करने का नतीजा। लंबी बात को शॉर्टकट में समझाना हो तो बस यही कहूंगा कि मेरा कवच कोई बहलावा या शौक नहीं था, जिंदगी का एक पड़ाव था। लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते और वो ये कि मैं आयरन मैन हूं। जानते हो किसी के साथ अपने दिल के राज बांटना, अपने तजुर्बे बांटना एकदम से बोझ आधा हो जाता है। सॉरी, हम तुम सुन रहे हो ना? दरअसल क्या है कि मैं जरा वो तुम झपकी तो नहीं ले रहे थे? नहीं ऐसा नहीं, वो जरा सी आंख लग गई थी।